नमस्कार, निशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लोग चौथे स्तंभ के तौर पे जाने जाते हैं, पत्रकार हैं और लगातार जनता के बीच बने होते हैं। सामाजिक स्तर पे जो सरकारी योजनाएं हैं, जो एजेंडा है, जो आईपीसी के धारा है, वो सारी चीज़ों को जो है हम जनता तक पहुंचाते हैं और जनता उसका जो उपयोग हो सकता है सुनियोजित उसका उपयोग करते हैं। और जो जनता की समस्याएं हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको भी जो है अपने माध्यम तक, हम सरकार तक, कानून तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, अभी मामला राजनीतिक नहीं है, मामला क्राइम से जुड़ा नहीं है। क्राइम है लेकिन क्राइम से जुड़ा नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक मामला है। मामला है पति पत्नी का, मामला है समझौता का, मामला है न्याय का, मामला है आपसी सामंजस्य का। चलिए, हमारे साथ मौजूद है रविकांत जी, जो कि पीड़ित हैं और काफ़ी परेशान हैं, अवसादग्रस्त हो चुके हैं और अपने जो कहते हैं कि पुरुष जो प्रधान देश है, पर यहाँ जो है महिला प्रधान देश है और पुरुष होने के नाते ये अपने कर्म को मानते हैं और लगातार अपने जो जीवन यापन के लिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ से काम करते हैं, पर अभी इनकी मानसिक स्थिति इस लेवल पर पहुँच गई है, ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि इससे निदान मिले या चाहते हैं कि कोई कानून जो सरकार का जो संविधान में लिखा है उसके तहत इनको न्याय मिले, जिससे ये जो है किसी तरह से राहत पा सकें और फिर से अपने जीवन को शुरुआत कर सकें और आगे बढ़ सकें। मामला पूरा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किन किन तरीकों से इनके कारण ये अवसाद में गए, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस स्थिति तक पहुँचे हैं। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे और हम समाज तक, आवाम तक, जनता तक और देश के कानून बनाने वाले तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार को भी, जो सुशासन की सरकार है, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये कहना चाहेंगे कि देखिए, महिला प्रधान देश में महिला ही सब कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं आज का जो मीडिया है, आज का जो सोशल एक्टिविटीज़ है और आजकल का जिस तरह के ऐप्स हैं उसमें किस तरह के गलत तरीकों को दिखाया जाता है और जिसका उपयोग आज के हमारी बच्ची बच्चियाँ, लड़कियाँ और महिलाएँ करती हैं और उसका खामियाजा जो है समाज को, घर को, परिवार को झेलना पड़ता है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए, शुरुआत से हम बात करते हैं और समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि क्या हुआ इनके साथ, क्यों इतने ये अवसादग्रस्त हैं, क्यों काम छोड़ने के मूड में हैं, क्यों कहते हैं कि बार बार कि हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, क्यों कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे जबकि कानूनी रूप से जो है ये सही नहीं है। तो इन सारे चीज़ों पर आखिर हम इनसे चर्चा करेंगे, रवि जी से जानेंगे सारा कुछ। रवि जी, क्या पहले तो हमको बुलाए अपने प्रॉब्लम को लेके, इसके लिए हम शुक्र गुजार हैं और हम भी चाहेंगे कि हम अपने माध्यम से जो है जनता तक इस चीज़ों को पहुंचाएं। अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं और आपके साथ क्या हुआ है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताना ये चाहूँगा कि मेरा नाम रविकांत कुमार है और मैं चंपाचक बाजार पटना 8-7 में रहता हूँ। एक्चुअली मेरी शादी 2017 में हुई थी, 28 अप्रैल 2017 को, और मेरी वाइफ जो है मात्र 6 महीने तक ही सही से रह पाई, उसके बाद से उसका रंग ढंग चेंज करना शुरू हो गया। और उस वक्त स्टार्टिंग से वो कहने लगी कि मैं आपके माँ बाप का कोई काम धाम नहीं करूँगी और उसका कहना था कि मैं आपके माँ बाप के साथ रहूँगी भी नहीं, आप चलिए पटना और मैं वहीं रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं इस गाँव में नहीं रहूँगी और मुझे नौकरानी ला के दीजिए, मुझसे काम नहीं होगा, मैं काम नहीं करूँगी घर में। और ये लगातार इस तरह से परेशानी बढ़ने लगी और वो मुझे प्रताड़ित करने लगे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, मैं तुम पर केस कर दूंगी। ये लगातार इस तरह का काम होने लगा और जिसके कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई, हम लोग लगातार परेशान होने लगे और उसके फादर भी लगातार कॉल करके धमकी देते थे कि तुमको केस में फंसा देंगे और तुमको बर्बाद कर देंगे, अक्सर उनका कॉल आया करता था इसी बात के लिए प्रॉब्लम। उसके बाद 2000 यहां से वो अक्टूबर में गई थी, अक्टूबर 2017 में गई थी यहाँ से वो, और वहाँ गई है अपने घर राजगीर गई थी, उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी। वहाँ से जब इसका बच्चा मतलब डिलीवरी हो गई तो मैंने बोला कि ठीक है आ जाओ, तो ये बोली कि नहीं हम मैं अभी नहीं आऊँगी। और लगातार मैं, मेरी बहन का भी ससुराल वहीं होता है, वहीं पर है, राजगीर में ही है, रहरिया पिंड। तो बहन ने बोला कि जाइए, भाई नहीं आएगा लेने, आप जाइए। तो वो बोलती है कि आप कौन होती है बोलने वाली मुझे, मैं जब मर्जी करेगा जाऊंगी। और उसके बाद मैंने उसे एक बार कॉल भी किया कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो मैं तलाक का कागज भेज दूंगा।
लेकिन उसको उस बात का भी बिल्कुल डर नहीं रहा और वो नहीं आई। तब जाकर वो लास्ट में अक्टूबर नहीं अगस्त महीने में आई, अगस्त 2018 में आई वो वहाँ यहाँ पे। उसके बाद दो तीन दिन हम लोग साथ ही रहे थे, दो तीन दिन ही हम लोग साथ ही रहे, और उसके बाद उसका फिर से वही बात शुरू हो गया कि मैं आपके मम्मी पापा का काम नहीं करूँगी, मुझे काम नहीं होगा, नौकरी ला कर दोगे तो ठीक है, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं पटना रहूंगी। उस वक्त मैं काम भी नहीं करता था, लगातार मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ, अभी भी मैं बीएड कर रहा हूँ। कुछ समय तक मैंने स्कूल में पढ़ाया था, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ सैलरी कुछ नहीं होती थी। तो वो लगातार मुझ पर दबाव बनाने लगी कि पटना रहकर रहना होगा, मैं पटना में ही रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मुझे काम नहीं होगा, और इसी कारण लगातार डिफ्रैक्शन होते चला गया। और फिर वो फिर उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाना भी बंद कर दिया कि जब तक ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ नहीं करोगे, जब तक मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और उसके बाद उसके फादर का भी लगातार कॉल आने लगा कि जो मेरी बेटी बोल रही है अगर नहीं सुनोगे तो तुम पर केस कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, सारा फैमिली मेरे नाक के मेरे आके मेरे जो पैर पे आके नाक रगड़ोगे तो भी हम नहीं सुनेंगे। उसके बाद जो बोल रही है सुनो कि जाओ पटना में रहो। मैंने असमर्थता व्यक्त किया कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो जॉब नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से फिर दो उसके बाद से हमारे बीच रिलेशनशिप बंद हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप कुछ नहीं रहा। और 2019 के लास्ट में वो क्या हुआ कि 4 दिसंबर को यहाँ से वो चली गई, 4 दिसंबर 2019 को चली गई। और जबकि बजाबते हम लोगों ने सब कुछ दिया, मम्मी वैष्णो देवी गई थी, वैष्णो देवी से वापसी आई थी, तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह दे दिया था, उसे कपड़े उपड़े सब दे दिए थे और कुछ पैसे भी दे दिए गए थे, ठीक है जाओ यहाँ से। उस वक्त उसको एक प्रॉब्लम था, शायद कोई फिजिकली प्रॉब्लम चल रही थी, तो माँ ने उसको दिखाया भी था, तो पता चला कि उसके पेट में पानी है, तो हम लोगों ने उसका इलाज करवाया भी। और जब अस्पताल वालों ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना होगा, तो हम लोग तैयार हो गए, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मम्मी आएगी वैष्णो देवी से तभी मैं करवाऊंगी। जब मम्मी वैष्णो देवी से आई, उसके बाद इसने क्या किया कि बोली कि नहीं, मेरी मामी जो है ना इसका इलाज करती है, पहले भी मुझे हो चुका था तो वही ठीक की थी, तो मैं मामी से ही करवाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मामी डॉक्टर है? नहीं, कुछ नहीं है। अब बोलती अपने आप को कि होम्योपैथी की डॉक्टर है, पता नहीं एलोपैथी की डॉक्टर है कि क्या, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, नहीं जानते इसके बारे में। फिर वहां चली गई और 2020 में मार्च महीने में उसने मुझ पर केस कर दिया 498 का, और उसमें ये एलिगेशन लगाया कि मैंने उसको मार के भगा दिया था, उसके सारा सामान और क्या बोलते हैं आभूषण वगैरह छीन लिए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर और उसने डेट वही दिया था 4 दिसंबर का, जबकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेरे घर के जस्ट सामने आपका थाना है, अगर मैंने उसे मारकर भगाया होता, छीन के कुछ भगाया होता तो तुरंत जाके केस कर देती, अगर ऐसा होता तो तुरंत जाके केस करती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे ऊपर केस डाल दिया। कितने तारीख को केस डाला गया? सर मैं बता रहा हूँ, 21/3/2020 को गई थी सर यहाँ से, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को यहाँ से घर छोड़ के जी, और 21 को आके केस जी। सर मेरे घर के सामने गोपालपुर थाना है। हाँ जी, यानी नहीं सर 2.5 महीने के बाद मार्च में उन्होंने केस किया है, गई है सर 4 दिसंबर को। अच्छा, 19 में सर, और केस किया गया सर 21 मार्च 2020 को, 4 दिसंबर को गए, 4 दिसंबर 2019 को गई हैं, और 21 मार्च 2020 को केस किया गया मेरे ऊपर। इतना दिन तक वो वहीं थी? हाँ, घर पे ही थी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आके केस की, और केस के दौरान जब केस किया गया तो थाने की ओर से हमें कुछ बुलावा भी नहीं भेजा गया, थाना के द्वारा मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा गया कि हाँ आपकी पत्नी आई हुई आपके केस कर रही है। जो भी एक होता है ना कि नहीं ठीक है आप देख लीजिए कि केस क्या है, आप समझ लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मौका नहीं दिया गया, डायरेक्ट मेरे ऊपर केस कर दिया गया। एक केस पे और हुआ राजगीर में? जी हाँ सर, एक केस और राजगीर में किया गया था मेरे ऊपर। हाँ सर, वहां पे राजगीर में केस किया गया था 20 सितंबर 2023 को, राजगीर महिला थाना में किया गया था। वहां पर जाके इन्होंने केस कर दिया कि मुझे नहीं रख रहा है और मुझे मारपीट करता है, मुझे भगा दिया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। जब मैंने मैम को सारा केस का डिटेल भेजा महिला थाने में, तो मैम ने बोला कि ठीक है आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे डिटेल्स मिल गए। तो जब वो 2 तारीख को हाजिर होने के लिए बोला गया था, 2 अक्टूबर को, तो मैं वहां नहीं गया, मैम ने बोल दिया था,
तो 2 अक्टूबर को उसको वहां से भगा दिया गया और फिर से वो राजगीर थाना में चली गई। राजगीर थाना से ही मुझे कॉल आया था, राजगीर थाना से ही मुझे कॉल आया कि आपकी बीवी आई हुई है आपके केस करने के लिए। तो मैम से मैंने बोला कि मैम किस तरह का केस करने के लिए आई हुई है, तो बोल रही मैम ने बोला कि आपके ऊपर दहेज का केस। मैम ऑलरेडी केस चल रहा है यहाँ पे। मैम ने बोला कि केस चल रहा है। यस मैम, उन्होंने हमारे घर पे आके मारपीट किया था, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल 498 का केस चल रहा है मैम, उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे आके मारपीट किया उसका केस चल रहा है 20-25 आदमी के साथ, उसके बाद तलाक का केस चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई केस बन रहा है। तो मैम बोलिए, तो मैम ने बोला कि नहीं, केस चल रहा है तो फिर केस मैं कह लूंगी। तो मैम ने मना कर दिया कि नहीं, केस नहीं लेना। तो मैंने बोला कि अगर मैम आपको प्रॉब्लम अगर अगर आप बोलिएगा तो मैं सारा डिटेल्स जो भी केस से रिलेटेड है मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो मैम ने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने महिला थाना में भेज दिया तो महिला थाना से मैं पता कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद मैम ने कॉल काट दिया। फिर कभी उधर से कोई फोन नहीं? नहीं, उधर से फिर कोई कॉल नहीं आया, ना महिला थाना से कॉल आया, नहीं राजगीर थाना से कोई कॉल आया। मैंने एक ऐसे मान के चले कि आप उधर वो संतुष्ट हो गए केस के माध्यम से कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ जी सर, उन्होंने वो संतुष्ट हो चुके थे कि जब केस चल रहा है तो यहाँ पर दोबारा केस लॉज नहीं होगा। कोर्ट में केस कब हुआ आपका दौड़िया का? दौरी एक्ट का सर केस तो ऑलरेडी उन लोगों ने ही किया था जो मैंने बताया था आपको पहले भी, 21 मार्च 2020 को उन्होंने केस किया था, यहाँ से थाना से केस किया था, उसके बाद लगातार वहां पे डेट चल रहा है और वो एक डेट पर भी हाजिर नहीं हुई थी। हम हर एक डेट पे मैं हाजिर हूँ सर कोर्ट में, वो लोग लेकिन एक डेट पर भी हाजिर नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि आप मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? सब ये सर ये सारी कोरी बातें हैं। अगर ऐसा एविडेंस होता मतलब मारपीट किया गया होता सर, उसके कहीं ना कहीं निशान होता सर, और सर सामने थाना है, अगर उस वक्त भी जब ये घर से विदा हुई थी जिसमें ये इसने एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर कि मुझे घर से मारपीट कर मुझे सारा सामान छीन कर भगाया गया, उस वक्त भी डायरेक्ट जाकर कर सकती थी केस, डायरेक्ट उसी वक्त होता क्योंकि मारपीट उसी वक्त किया गया था, बट उस वक्त भी ये केस नहीं की थी। यानी इसके ऊपर कोई भी मैंने इसको कभी रिलेटिव बताऊं तो मैंने इसे कहीं मारा ही नहीं। माँ ने बोला था कि नहीं बेटा मारना नहीं चाहिए, बात से समझा लो, बात से आजकल सब लोग हैं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, बात से समझ जाते हैं। सो हमारे घर में मारपीट नहीं होते, हमारे माँ बाप भी आज तक मारपीट नहीं किया अपने आप में, आज तक नहीं हुआ है, तो हमारे घर में मारपीट अलाउ नहीं है। तो ये सारा चीज सर ये झूठा केस है मेरे ऊपर। आपकी बहन के तो चोट लगा जहां तक मुझे सर, वो लोग मामला क्या है बहन के साथ? सर एक्चुअली वो लोग हमारे घर में 23 मई को हमारे घर में आए थे 20-25 लोगों के साथ। 23 मई 2022 को 20-25 लोगों के साथ मेरे घर में घुसे और मेरी मझली दीदी जो थी उस वक्त शादी में आई हुई थी, हमारे मेरे मौसेरे भाई का शादी था उस वक्त, वो आई हुई थी यहाँ पे और मेरे माँ बाप थे और मैं अकेला घर में था और घर में कोई नहीं था। 20-25 लोग वो लोग आए, करीब 7-8 औरतें थी और बाकी सब उसके भाई, उसके पापा महेंद्र केवट जो कि राजगीर वहां रहते थे, अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए और मेरे माँ बाप, मेरे वृद्ध माँ बाप जो कि 60+ हैं, उनको खूब मारा पीटा गया, मेरी बहन को मार के माथा फोड़ दिया गया, मुझे मारा गया। और उसके बाद उन्होंने फिर से धमकी दी कि अगर तुम नहीं बात मानोगे अभी भी तो फिर से ये दोबारा होगा तुम्हारे साथ। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपको कोई और लड़की से संबंध बताया जा रहा है, जिसका हेडलाइन होता है ना, जिस हेडलाइन में लिखा है कि किसी और से भी आपका संबंध रहा है, उसके चलते आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, क्या बात है ये? वो वीडियो क्यों बनाया इस तरह? ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता सर तो मैं शादी करके लड़की को घर में ला चुका होता या बाहर में रिलेशनशिप में रह रहा होता, मैं तो घर से आज तक बाहर गया नहीं, मैं तो यही परमानेंट रह रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो लड़की घर में होती सर, ऐसा तो कुछ है नहीं, लड़की घर में होती, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो जबरदस्ती उन्होंने इस तरह का वायरल कर दिया है कि मैं किसी लड़की के चक्कर में उसको छोड़ा हूँ, ऐसा होता तो सर मैं ये वीडियो किसने वायरल सर? ये वीडियो सूर्या सूर्या रिपोर्टर है, उनके द्वारा वायरल किया गया है और उस वक्त हमारे घर में कंचन मैम थी, एक कंचन मैम एक एनजीओ चलाती है सर, वो आई हुई थी हमारे घर में जो कि जिनका ऑफिस कांटी फैक्ट्री के पास है, कांटी फैक्ट्री शिव मंदिर के पास है सर, वही हमारे घर में आई हुई थी और जबरदस्ती उन्होंने बजाई थी सर रात के 7:30 बजे। क्या आने के बाद क्या कही उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने? जबरदस्ती हम लोग पे प्रेशर बनाया कि नहीं तुमको रखना होगा, तुम नहीं कैसे रखोगे मेरे, हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए जबकि कोई कोर्ट का ऑर्डर उनके पास नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर मांगा देखने के लिए सर? उन्होंने दिया ही नहीं कुछ। मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि सर किस तरह का ऑर्डर है, तो उन्होंने कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं दिखाया और उसके बाद जबरदस्ती धमकी देकर कि मैंने सारा अपना केस का डिटेल भी बताया तो बोला कि मेरे, उन्होंने यही बोला कि मेरे मेरे पास पावर है, मैं रखवा सकती हूँ किसी भी लड़की को। अच्छा। हाँ मैं तुम्हारी बीवी को रखवा सकती हूँ, मेरे पास पावर है,
तो मैम मैंने बोला कि सर आप कोर्ट से तो ऊपर नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है तो आप कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, तुम नहीं, मेरे पास पावर है, मैं रखवा सकती हूँ लड़की को, उन्होंने कुछ ऐसा बोला। आप वो वीडियो देख भी सकते हैं सर, उसमें उन्होंने बोला है कि नहीं मैं रखवा सकती हूँ, मेरे पास पावर है। कंचन जी ने और क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगाया और क्या क्या कहा? कंचन जी का आरोप था कि मैं किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, इसी कारण मैं लड़की को नहीं रख रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं सर। ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता था लड़की जब मेरे घर में होती और मैं घर से बाहर, अगर लड़की के साथ मेरा चक्कर होता तो मैं घर से बाहर रह रहा होता, जबकि मैं घर से कहीं बाहर गया नहीं आज तक, मैं पटना में अपने घर में ही रह रहा हूँ और यहीं से अपना कॉलेज जाता हूँ और एक दो ट्यूशंस पढ़ाता हूँ और इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। और झूठा आरोप मुझ पर लगा रही है। फिर क्या हुआ रात में? फिर रात में वो जबरदस्ती यहाँ रखवा के चली गई कि नहीं लड़की यहीं रहेगी। और कुछ लोग भी आए थे उनके साथ, उनकी माँ थी, लड़की की माँ थी, लड़के का बाप था, लड़के का भाई था, लड़की की बहन भी एक दो तीन आई हुई थी और कुछ पुलिस वाले भी आए हुए थे हमारे बगल वाले थाने से। आपने उनको बोला पुलिस वाले? हाँ मैंने थाने वाले को बोला भी, कोर्ट में मामला चल रहा। हाँ मैंने बोला भी कि सर थाने में सब कोर्ट में मामला चल रहा है सर, तो फिर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं रखूंगा ऐसे। मैंने बोला भी है, मैंने वीडियो में भी बोला है कि मैं नहीं रखूंगा क्योंकि सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती रखवा दिया और उसके बाद से हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, लगातार मम्मी का तबीयत खराब हो रहा है, मम्मी को एक बार तो अभी भी उसका गाली गलौज ये सब चालू है। जी सर बिल्कुल, अभी भी लगातार उसका गाली गलौज चालू है। एक होता है सर कि नहीं ठीक है लड़की को रखवा गया तो सुधारने का बात होती है, लेकिन नहीं उनका लगा उस लड़की का लगातार अभी भी गाली गलौज चालू है, मम्मी को उल्टी सीधी गालियां देना मुझे लगाकर, और मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसी गालियां देती है वो, और इस तरह की लड़की को मैं बिल्कुल अपने घर में नहीं देना चाहता। आप थाना में कंप्लेंट डालने गए? हाँ थाना में कंप्लेंट देने गया था इसके बारे में, लेकिन थाना वालों ने कंप्लेंट नहीं लिया। क्या थाना वालों ने बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। तब इसके ऊपर अधिकारी पास आप क्यों सर? मैं गया था एसएसपी के पास, मैंने एप्लीकेशन दे रखा है उसका, अभी तक वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक। देखिए आप सुन ही रहे होंगे सारा कुछ, मामला क्या है कैसे चल रहा है, किस तरह से दबाव डाल के इनके यहाँ रखा गया जबकि मामला कोर्ट में था। ठीक है महिला का सम्मान होना चाहिए और, लेकिन न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस देश के अंदर जो लोग भी हैं वो कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं और उसके तहत ही सारा कुछ होता है। इससे न कोई बड़े तबके के लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, न छोटे तबके के लोग, न सामाजिक स्तर पे जो लोग हैं उसका नजरअंदाज कर सकते हैं। एक वाक्य पे हम चर्चा करेंगे और अभी इस पर कराएंगे, हम कुछ कॉपियाँ दिखाना चाहते हैं कि प्रमाण के तौर पर, जैसा कि इन्होंने कहा कि महिला थाना, तो ये महिला थाना का कॉपी है, आप देख सकते हैं ये महिला थाना का वो कॉपी है, नालंदा राजगीर का महिला थाना का है जहाँ की चर्चा इन्होंने किया है और ये आज भी मेरे पास है, जिसमें केस संख्या भी है 887/23 है जो 20/9/2023 को किया गया, जिसमें कि महिला थाना ने जो है साफ कह दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। एक केस एसएसपी साहब के यहाँ का हुआ है, अंतः था खार के, जब 11 तारीख को इनके घर 7:30-8 बजे करीब जब कोई कंचन मैम और कोई मतलब उनके टीम के लोग जब यहाँ पहुँचे हैं और इन दबाव डाल के मानसिक प्रताड़ित करके मेंटल टॉर्चर करके जब वहाँ पे इनको रखा गया है, तो इन्होंने लगातार वीडियो को हम दिखा सकते हैं और ये आप जाके देख सकते हैं कि उस पर लिखा हुआ जो लाइन है वो लाइन पे लिखा गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी और भी के संबंध में चल रहे हैं, पर इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं ये साबित उनको करना चाहिए था कि यदि ऐसा है तो वो कौन लड़की है और कहाँ है और कहाँ रह रही है और इससे इनका संबंध क्या है, ये भी दिखाना चाहिए था। दूसरा नंबर, उसमें जिस तरह की बातों का तर्क चल रहा है और जिस तरह से उसमें दबाव दिया जा रहा है कि मैं ही हूँ जज और मैं ही वो कर सकती हूँ, मैं रखवा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर और जज से ऊपर कोई नहीं है। यदि ये तरह का दावा यदि करते हैं तो मुझे लगता है कि संविधान तोड़ने का काम वो काम कर रहे हैं। ये कागज मेरे हाथ में है जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के नाम से है, जिसमें कि एनजीओ द्वारा किए गए शक्ति का दुरुपयोग करने के संबंध में इन्होंने जो है एसएसपी साहब को दिया गया, जो रिसीविंग कॉपी भी यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पास। ये एक फाइल है हमारे हाथ में जिसमें कि इन्होंने जो है 11 तारीख को जिस तरह से एक एनजीओ की मैम आकर और उनकी टीम ने आकर जिस तरह से इनके तार एक तरह से समझिए कि हमला किया गया था इनको ऊपर शाम में, और जिसमें कि पुलिस के बगल के थाने के पुलिस के कर्मी भी थे और
एक एनजीओ से जुड़े हुई मैम भी थी और एक शख्स कोई रिपोर्टर नाम से था वो भी था। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो मिलके मतलब इनको मेंटली टॉर्चर जैसा इनका कहना है कि मेंटल हरासमेंट किया गया, पूरी तरह से दबाव डाला गया, इस तरह का दबाव डाला गया कि मैं ही जज हूँ, मैं ही न्यायालय देती हूँ, मैं ही जो कहूँगी वही होगा, इस तरह की बातें कही गई और आपको रखना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। इनको शायद ये भी कहा गया कि कोर्ट से आदेश है, इन्होंने कोर्ट का आदेश जब मांगा देखने के लिए तो वो कोर्ट का आदेश वो दिखाए नहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि न्यायालय संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह की बातें कोई करते हैं तो मुझे लगता है कि सरासर गैर कानूनी है, इस तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए था। उसके अवेज में जो है इन्होंने सेवा में 11 तारीख के बाद जो घटना इनके साथ हुई है काफी मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद, ये जो है पुलिस कमिश्नर अधीक्षक जो पटना के हैं, पटना सदर के, उनको इन्होंने एनजीओ द्वारा किए गए शक्ति दुरुपयोग के संबंध में जो है एक एप्लीकेशन दिया है जिसको रिसीविंग इनके पास कॉपी है, जिसमें इन्होंने पूरी वाक्य को लिखते हुए कि किस तरह वो लोग आए, कैसे किए, क्या किए नहीं किए और क्या इनके साथ घटना घटी और किस तरह के दबाव बनाकर झूठे बातें बोलकर जो है इन पे दबाव बनाया गया, ये सारा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी तक उसका कोई भी चीज नहीं आया है। इनका कोर्ट कहना है कि कोर्ट हम लगातार जा रहे हैं, अपनी बातों को वहां कह रहे हैं, पर अभी तक जो है कोर्ट में न्यायालय में जो चीजें हैं सामने नहीं आई है, ना उसका कोई हियरिंग शुरू हुआ है। और जो प्रक्रिया है कानून का, जो प्रक्रिया है न्यायालय का, वो ये उस कोरम को पूरा कर रहे हैं, पर जिस तरह का इनको मेंटल हरास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लगे हुए हैं कि हर हालत में कहीं ऐसा ना हो कि पूरे परिवार को जो है एक दुखद रूप अख्तियार करना पड़े, जिसके लिए जो है बहुत भारी कीमत जो है समाज को चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि ये शिक्षक भी हैं तो कहीं कहीं नौनहालों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के टीचर जो शिक्षा देने का काम करते हैं वो अशिक्षित तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उस तरह का दुरुपयोग इस तरह का कानून से बढ़ के या कानून से हट के कोई कार्य नहीं करेंगे। पर मामला है सामाजिक स्तर का, पति पत्नी का, धर्म का, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें ये अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि ये काफी मेंटल डिस्टर्ब है, पर दिन प्रताड़ित हो रहे हैं पूरा परिवार। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि हमसे सहयोग मांगे, ये हमारे पास कॉल किए, हमसे बात हुई, हमने इनकी बातों को समझा, साझा किया और हमने ऊपर वकीलों से भी बात किया कि आखिर इनके साथ क्या हो सकता है। इन सारे चीजों को करने के बाद आज हम इनके सम्मुख पहुंचे हैं, इनकी बातों को सुने और इनकी बातों को सुनने के बाद हम अपने तरफ से इस सारे चीजों को ऑन रिकॉर्ड आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपकी बहन के सर फट गया था? जी सर, उन्होंने खूब बहुत मारा था मेरी बहन को, बस ऐसे ही घर में घुस के बस मारपीट करने लगे। देखिए अभी इनकी बहन का बात सामने आया है कि उनको सर फट गया था और बहुत सारे चोटें आई थी, तो उस पर अभी हम चर्चा करने के लिए मैंने फोन लगाया है और बात हम करना चाहेंगे। हेलो दीदी, प्रणाम दीदी। नमस्ते, मैं नीरज बोल रहा हूँ निशन 24 न्यूज से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ घटना घटी थी। हाँ, हमारे सब घटना घटी थी उस 21 तारीख को जी, करीब उसमें 12 या 1 बजे का समय था। वो लोग 20-25 लोग घर में लड़के लोग घुस गए, मेरी माँ पापा और मेरे भाई को मेरे आँखों के सामने ही मारे और हमें भी मारे। करीब 4-5 लड़के मेरे साथ, उनका जो बाप था वो हमें मिलकर मारे था। मेरा मंगलसूत्र ढोलना था, सोने का, वो भी छीन कर लेकर चले गए। आपने इसका कंप्लेंट डाला? हाँ, कंप्लेंट तो मम्मी पापा डाले थे। अच्छा, आपके साथ जो चोटें हुई थी उसका मेडिकल इंजरी आपने बनवाया था? टाका लगा था या क्या लगा था? चोट लगी थी? सिर पे बस चोट लगा था और बाकी पीठ में मारे थे और पेट में मारे थे। तो आपने कहीं दिखाया होगा ना? वहाँ सरकारी मेडिकल में दिखाए थे तो वो कुछ ज्यादा बना कर नहीं दिए थे। लेकिन उसका पुर्जा आपने कटाया था उस दिन का? हाँ कटवाए थे, मगर अभी पता नहीं कहाँ है, वो तो शायद कह नहीं सकते, वहीं पर होगा। उस दिन का पुर्जा कटवाया। क्यों ऐसा किया गया? तो ऐसा किया क्योंकि उसी के गांव में मेरे ही गांव की उसका ये मायका हुआ ना, वो मेरे पीछे शुरू से ही पड़ी हुई है, कभी भी हमको ऐसा देखना नहीं चाहती है वो। अच्छा, आपको पता है कि आपके भाई और उनका संबंध अच्छा नहीं है? हाँ पता है। आपने इसको कोशिश किया, एक बहन के नाते कोशिश किया समझौता कराने या सामंजस्य बैठाने का? समझौता तुम बहुत करवाया, हम तो इतना भी बोले कि जो कुछ भी है सब आपका है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब अच्छे से खा पी रहे थे, अच्छे से रह ही रहे थे, मगर वो कभी सुनने के लिए तैयारी नहीं हुई। उसका हमेशा ही नेचर कुछ अलग ही रहा है, कभी किसी से मिलके नहीं रही है, वो हमेशा अलग थलग रही है। हम लोग तो मिलकर कभी रही ही नहीं है वो, कभी भी हम लोग जाते थे कभी खाना पीना बनाती ही नहीं थी, हमेशा दूसरे रूम में जाकर बैठ जाती थी वो। चलिए ठीक है, तो ये इनकी बहन है जिनका अभी हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं क्योंकि बहन है, सम्मान लिए है, तो इनका हमने चर्चा भी किया अपने माध्यम से, आप तक उनकी आवाजों को पहुंचाया है।
कि उस दिन की घटना क्या थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इनको चोटें आई, मेडिकल में दिखाने गई सदर अस्पताल में और सारा कुछ किए। जनरली होता क्या है, छोटी छोटे लोग जो पुर्जा कटाते हैं उसे भूल जाते हैं, वही इनका कहना था। तो ये अभी आप इनकी बातों को भी आपने सुना, आगे भी हम पूरी बातों को जो है पहुंचाएंगे, बताएंगे कि आगे और क्या घटना, इनके पिताजी से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा और क्या उनके सामने आया और क्यों इतना परेशान है और क्या कहना चाहते हैं। देखिए अब हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं और अब हम इनसे भी कुछ, चूंकि इनसे भी जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए हम सोचे कि इनको भी पूछ लें, इनसे भी समझ लें क्या बात है क्या नहीं है और किस तरह की बातें सामने आ रही है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेश प्रसाद हुआ। सुरेश प्रसाद जी, ये बताइए कि आखिर आपने क्या देखा और क्यों इतना ज्यादा परेशान है पूरा परिवार? इसलिए परेशान हम हैं कि हम पर जो है मैंने केस किया गया डोरी एक्ट का, समझे ना, ओकर बाद में फिर जैसे घर में घुस करके मारपीट भी किया गया। उसके बाद में जो है से फिर जैसे कंचन कुमारी को यह है वो जो है मैंने जबरदस्ती फिर लड़के को ला करके घर में रखवा दिया गया, जबकि कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम लोग बार बार उनको कहा कि जो है से जो जो अति केस जो है से अति कोर्ट जो हमको मैंने अति करेगा ऑर्डर जो होगा हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन जबरदस्ती वो रखवा के चले गए। कोई कंचन कुमारी कोई अति है एन जी ओ है शादी, जब मेरे बच्चे ने क्या देखा अपने, हाँ बच्चे को जब शादी किया तो बहुत हमको खुशी था, कहा कि तीनों बच्चे के पहले ही शादी हम कर चुके थे, उसी समय हम रिटायर किए थे, समूचा पैसा जो है करीब 2.5-3 लाख रुपया जो है बच्चा में जो हम खर्चा किए। उसके बाद में जो है मैंने जब अच्छी हुआ शादी के बाद में अच्छी होता है, उसके बाद में मेरी पत्नी चली गई कश्मीर, छोटी बच्ची को बीएड का एग्जाम था, 4 दिन के बाद चली गई। उसके बाद में जो है महेंद्र केवट ने जो है 8 दिन पर जो है अपने नहीं आता था, अपने छोटका मामा को और मंझला मामा के साला को यहाँ पर भेजता था विदाई कराने के लिए। हम कहने लगे कि विदा हम नहीं करेंगे, हमारे घर में कोई है नहीं, हम खाली वो हम है वो हमारा लड़का है। उसके बाद में 8 दिन पर जो है मैंने फिर द्वारा आया, फिर तिवारा भी आया, हम कहे कि हम विदा नहीं करेंगे। इसी पर जो है धमकी देने लगा महेंद्र केवट ने, किसे तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम हमारे लड़के को विदा नहीं करता है। हमको लिखे हमारे पास आदमी नहीं है, हमको खाना बनाने के लिए कौन चाहिए, आखिर चाहिए ना। इसी बीच में जो है करीब 1-2 महीने के बाद में जो है लड़की को जो है मैंने जो लड़का आता था किसी महिला मामा का साला है उस चल गए थे बाथरूम में, उसी अथी दरमियान में हाँ गलत ढंग से उस दोनों चिपके, हाँ देख लिए, लेकिन फिर हम चले आए। हमारे पास छोटा मोबाइल था, उस समय हम कुछ नहीं कर पाए, ना मेरी पत्नी थी यहाँ पर। उसके बाद में जब मेरी पत्नी आई 1.5 महीने के बाद में, तो वहाँ से जो है हम इसको बताए, कभी उनके परिवार से नहीं पूछे कि ये लड़का कौन है। हाँ तो इसको से पूछे हम, समय पूछे इसको हम उसी समय 2-2.5 घंटे के बाद कौन था लड़का, तो किसे मेरे मामा का साला है। अब सवाल उठता है कि मेरे मामा के साला के साथ ऐसे जो है से गर्दन पर हाथ धर करके हाथ में हाथ पैर में, हाँ गलत ढंग से देखे इसको। अब उसके बाद में कह रहा है किसे मामा का साला था, बार बार वो आता था, वो लड़का बार बार आता था 8 दिन पर 10 दिन पर, छोटका मामा का मामा भी आता था। इसकी बातें आपने अपने बेटे को बताया? पत्नी को बताया, पत्नी आई 1.5 महीने के बाद पत्नी को बताया, इस पे उससे चर्चा की। जी हाँ, अगर मेरा मेरे पास में बड़ा मोबाइल रहता था तुरंत उसको हम फोटो खींच लेते, लेकिन मेरे पास छोटा मोबाइल था, हम कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बाद में जो है लड़की जो है से ठीक दशहरा के दिन उसी लड़का को बुलाई, अपना छोटा मामा को बुलाई, मामा के भाई के बुलाई, लड़का को बुलाई और अपने बैग उठाई। हम लोग घर ही में थे, ये घर नहीं बना हुआ था, बगल में किराए में रहते थे, वहां से उठाई जाओ। उसके बाद में चले गए बिना पूछे हुए, हम लोग से बिना पूछे हुए चले गए। तब उसके बाद में जो है करीब 1.5 साल के बाद में वहां से आई मैके से, बच्चा बच्चे वहीं पर इश्यू हुआ था, आई और बाद में जो है उसका तो रुतबे एकदम चढ़ा हुआ था, तो समझ रहे थे कि से जैसे उसको घर से जो है जब उसका मामा मामी चाहे तो कुछ भी हो, पूरा उसको यह कहा गया था कि जैसे उसको तीनों के जो है माए बाप के और हस्बैंड के एकदम मैंने कलश में रखी हो, हाँ गर्दन पर चढ़ रही हो, लगाम एकदम कसे हुए रहना, उस तरह से मैंने व्यवहार कर रही थी। हम लोग बार बार मैंने कहते थे तुम ऐसा क्यों कर रही है, अरे उसको तो लड़का जो है अथी में पढ़ाता था प्राइवेट स्कूल में, यहाँ पर दयानी के पास में इलाहीबाग के सामने में है, इसको जो है से विद्या निकेतन में इसको जो है से टाइम पर नाश्ता कहीं नहीं देती थी, मोबाइल पर जो है उधर जाकर बात करने लगती थी। लड़का भी चाहे तो हम लोग भी कहते थे उसको समय पर उसको नाश्ता दिया कीजिए,
उसके बाद में चुपचाप को अंठिया देती थी, और उसके बाद में बैठ के आपको बात करते रहती थी। इसी कारण उसको लड़का को जो है वहाँ से जो है स्कूल से जो है निकाल दिया गया, महीना में दो महीना में जो है उसको जो है निकाल दिया गया, ताकि डेली लेटे जाता था लड़का, डेली लेट जाता था। अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते कोर्ट में केस चल रहा। हाँ, कोर्ट में मैटर चल रहा, जो हम वहाँ से ऑर्डर आएगा ना हम मानने के लिए तैयार। इनका कहना है जो बातें जो घटना इन्होंने देखा है उसे इन्होंने हमारे सामने पहुँचाया है, और हमने अपने माध्यम से संघर्ष के सामने पहुँचाया है क्या कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है, किस तरह की वस्तुस्थिति बन रही है, और किस तरह का मेंटली हरासमेंट होने के कारण ये बन रहा है। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो केस है वो न्यायालय में है, न्यायालय से जो भी आदेश आएगा उसको मानेंगे, क्योंकि कानून को ये सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, लड़के की बात हमने सुन ली, उनके पिताजी की बात सुन ली, अब हमारे साथ मौजूद है माता जी। हम इन पूनम देवी से हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि अपने बहू को आखिर किस कारण से जो है ये पसंद से नापसंद की ओर गई हैं, और केस होने के बाद आखिर ये चाहती क्या। हमको नापसंद इसलिए है कि जो 18 में आई तो हमको कहती है कि मेरी छोटी लड़की को बाबू हुआ था, तो हम उसको लेकर तेल लगा रहे थे, तो हम सोचे कि दोनों को लगा दे, तो बोलती है क्या कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसको फेंको, आई बच्चा के लो। हम कहे कि दोनों बच्चा, हम दोनों को मतलब करेंगे, तो फिर कहते हैं कि इसका फलिया कहाँ है, मतलब दबाव दे रही हम पर, इसका फलिया कहाँ है, इसका झुलुआ कहाँ है, इसका मतलब सारा चीज खोज रही है हमसे, मतलब पूरा दबाव दी। मेरी छोटी बेटी 3 से 4 दिन में यहाँ से वो चली गई, जो कि बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। फिर हम तो बच्चा को आपकी बहू कभी सहयोग करती नहीं, नहीं बाद में नहीं, उसको बच्चा दे दी, उसको सारा, उसको कपड़ा, उसको बेड शीट, मतलब उसका भी कपड़ा, खाना पीना, मतलब सब कुछ बनाना करना हमको, फिल्टर से जो खाना पीना भी बनाती है। हाँ, पानी फिल्टर से जो भरना रहता था तो कहती हमसे नहीं भराएगा वो, फिर हम अपना फिल्टर साफ करके, हमको तो नल का पानी से ज्यादा पछता नहीं था, तो हम अपना अपना सब लग करते थे काम, लड़कियां की माँ है। मेरी बेटी तो कभी आती ही नहीं है, आई भी तो उस लोग के सोच अलग, वो आई उसको तो खान का जो घटना हुआ उसमें आप भी मौजूद थे किस दिन का? हाँ, हमको पूरा प्रताड़ित की है कंचन, बहुत बहुत, इतना मतलब की है ना कि हम उस दिन से सदमा में हैं। इतना बोली कि बोलने नहीं दी, इसका सारा बात सुनिए, अरे वो कह रही है तो आप सुन रहे हैं, तो मेरा भी तो बात सुनना है, मेरा भी बात सुनना है, क्योंकि हम भी है ना, जो जैसा वो है उसी तरह के मैं भी हूँ, तो मेरा बात एक भी नहीं सुनी, मतलब उसी का सारा बात सुनी। हम कहे कि कोर्ट में जो चिकित्सा चल रहा है मैडम, हो जाएगा जो होगा, तो हम मुझको रख लेंगे, अभी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एकदम इतना मतलब डांटी, इतना बोली, इतना चिल्लाई कि मतलब हमको हालत खराब हो गया, उस दिन भी बीमार पड़ गए हम, माइग्रेशन के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के मतलब पेशेंट है हम। ये जीवन का चक्र है कि एक लड़का जब माँ जब अपने पुत्र को जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब बच्चा जब शिक्षित होकर बड़ा होता है, जब उसकी शादी होती है, तो माता पिता जो बनते हैं उनका एक ये स्तर हो जाता है कि वो सोचते हैं कि चलो अब मेरे जीवन यापन के लिए मेरा लड़का, उसकी जो शादी होती है तो उसकी बहू जो है देखरेख करेगी। ये जीवन का चक्र है और इस चक्र के माध्यम से सारे परिवार समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और यही माध्यम होता है एक जीवन को, एक वंश को बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का और चलाने का। तो ये भी इसी उम्मीद से अपने बेटे का शादी किए थे कि बहू आएगी, हम लोग का सेवा करेगी, खाना पीना बनाएगी, सेवा सत्कार होगा, और मिलजुल के जो बहू को बेटी के तौर पर जो, क्योंकि कहा जाता है, सरकार भी कहती है आज कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी था कि बेटी के तौर पर एक बहू आएगी तो हम उसके साथ मिलके जो है इस घर को चलाएंगे, बेहतर बनाएंगे, वंश बढ़ेगा, तो एक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका ये सोच था, पर इनका कहना है कि शायद ये उससे खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं अब ये जब बातें कानून के स्तर पे जब समाज में और न्यायालय में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि न्यायालय का जो भी सम्मान होगा, जो भी बातें सामने आएगी, जो भी आदेश होगा उसको मानेंगे और उसी तहत काम करेंगे। तब तक के लिए जो है ये चाहते हैं कि हर हालत में किसी तरह से संभाला जाए और इस चीज़ को रोका जाए कि जब तक कानून का न्यायालय से वो आदेश नहीं आ जाता तब तक हम किसी तरह से इसको संभाल के रखें।
अभी आपने पहले रवि जी को सुना, फिर उनके पिताजी को सुना, फिर उनकी माता जी को सुना, अब दोबारा हम रवि जी से चर्चा करने के लिए इनको बुलाए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कंचन बहन का बात क्या हो गया, जिसके लिए आप SSP तक गुहार लगा चुके हैं, थाना में आपने एप्लीकेशन दिया है, नहीं लिया गया तो पैरवी करके थाना तक आप पहुंचे हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं कंचन मैम आपके जो कर गई हंगामा वो आप अपने हमारे माध्यम से बता ही चुके हैं। अब आप ये बताइए कि आखिर क्या लगता है कि जब कोर्ट में मामला गया है तो उसे आप किस तरह से देखते हैं, और यदि कोर्ट कहता है कि इनको रखना है तो फिर आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, मैं कहना यही चाहूंगा कि कोर्ट की जबरदस्ती नहीं करती है, कोर्ट भी चीजों को समझती है और तभी उसके ऊपर डिसीजन देती है। और जहां तक हमारे मेरे प्रॉब्लम की बात है तो अगर कोर्ट समझेगी तो निश्चित इस बात को समझकर वो यही डिसीजन देगी कि दोनों साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं है। और मैं भी यही चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, उस लड़की के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को मारा, मुझे मारा, और उसके बाद दोबारा धमकी भी दे के गए कि मैं मारूंगा और भी, फिर मारेंगे तुमको, अगर तुम नहीं सुनेगा तो फिर मारेंगे तुमको। ये धमकी कब मिली? इधर कंचन मैम के जाने के बाद। हाँ, फिर से धमकी मिला है कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर तुमको मारेंगे, और ये लगातार फोटो खींच के भेजते रहते कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, और बीच बीच में मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अच्छा, आपने थाना में लिख के दिया कि ये चूंकि अब यहाँ रह रही है और यदि गलत ढंग से यदि कुछ भी अपने ऊपर करती हैं, आरोप मुझ पे लगाती हैं, तो इसका जिम्मेवार क्यों होगा? क्या कंचन होगी, क्या थाना होगा, या वो जो रिपोर्टर आए थे वो होगा? तो मैं गया था, मेरे पापा जी मेरे साथ गए थे, लेकिन थाने वाले ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, बोला कि सबका कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सर एक बार हुआ भी था, 2-3 दिन पहले की ही बात है, रात में एकाएक लड़ाई झगड़ा हो गया, वो रात में 10:30 बजे रात में 11:15 बजे रात में ऐसे घूम रही थी, और मम्मी ने बस इतना ही बोला कि 10:30 रात का 10:30 हो रहा है, जाके रूम में सो जाओ, इस समय घूमने का टाइम है, जाओ आराम से सो जाओ। उसके बाद ये पूरा गाली गलौज करने लगी, मम्मी को, पापा को और हमको बहुत गाली गलौज हुआ, और शायद किसी तरीके से थाना वाला यहाँ पर पहुंच गया, और थाना वाले के सामने झूठ मूठ के ये रोने लगी, और थाना वाला को कॉल करके ये बोला गया था कि इसे मारा पीटा गया है। तो मैंने थाना वाला को बोला कि ठीक है, थाना वाला मुझे बुला कर ले गए, तो थाना वाला ने पूछा था, मुझे सर कैमरा लगा हुआ है, चल के आप देख लीजिए, जहाँ भी जो भी घटना हुई है सब सामने की बात है, कैमरा वहाँ लगा हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। तो थाना वाला बोला कि ठीक है जाओ, आगे से मत करना। मैंने कि मैंने किया ही नहीं कुछ, तो करूंगा क्या, लेकिन वो एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। हाँ, इसकी जिम्मेदारी आपने कंचन जी पे दिया? कंचन जी बोली है कि जो भी चीज होगी अगर ये गलत करती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन वो एक बार भी दोबारा नहीं आई है यहाँ पे। कॉल किया, बोला, कॉल भी किया मैंने उसको कि आइए एक बार आप, तो कॉल बोली कि ठीक, और उन्होंने कोई लिखित प्रमाण भी नहीं दिया है। एक लिखित होता है ना उनके पेपर पे, एक तरह का पेपर आता है जिसके ऊपर उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, उनके संस्था का नाम होता है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया है, और बस जबरदस्ती रखवा के चली गई। अगर मैं कोर्ट में कुछ दिखाना चाहूंगा कि जबरदस्ती रखवाए तो मैं कैसे शो ऑफ करूंगा कि हाँ इन्होंने जबरदस्ती रखवाया है, तो ऐसा कुछ मुझे एविडेंस भी नहीं दिया गया है और जबरदस्ती रखवा के चली गई है। थाना में गया मैं, थाना वाला से उन्होंने बोला कि थाना में दिया हुआ है, जब थाना वाला से मैंने पूछा कि ऐसा कोई एविडेंस दिया गया, कोई रिटर्न दिया गया, तो थाना वाला ही मना कर रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया गया मुझे, तो जबरदस्ती ऐसा कैसे कर सकती है? समझिए बात को कि किस तरह से कानून का गलत दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से कानून में जहां केस चल रहा है उसको भी जो है नजरअंदाज करके दबाव बनाया जा रहा है, मेंटल हरास किया जा रहा है, और किस तरह से इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करके जो है मेंटली फिजिकली जो है हरास किया जा रहा है, जिसका एक कारण रवि जी हैं जो सामने हमारे सामने अपनी बातों को, अपने सारे चीजों को बता रही हैं कि किस तरह से इनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और कैसे जो है ये परेशान है, और किस तरह से अफगानग्रस्त हैं। अभी SSP साहब के पास भी गुहार इन्होंने लगाया है, जिसका रिफिसिंग इनके पास है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह सामने आए कानून और इनको न्याय दिलाए, इनके बातों को सुने, और कहीं ना कहीं जो गलत है गलत ठहरे, जो दूध का दूध है दूध हो, और जो दूध का पानी पानी हो, ये सारे चीजों पे इन्होंने अभी हमारे सामने अपनी बातों को रखा है। ये चाहते हैं कि हम इनके बातों को सुने समझे और अपने माध्यम से आवाम तक, समाज तक पहुंचाने का काम करें, जनता तक पहुंचाने का काम करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो हम भी चाहते हैं चौथे स्तंभ के तौर पे कि सच क्या है झूठ क्या है ये न्यायालय का काम है, हम जज नहीं कर सकते हैं, हम एक आईना के तौर पे होते हैं, तो हमारा पहली प्राथमिकता होती है कि जो बातें समाज की आ रही है उसे हम सामने रखें, जो दुखित है या जो प्रताड़ित है वो अपनी बातों को हमारे माध्यम से समाज तक, सरकार तक, कानून तक, संविधान तक पहुंचाने का काम करें, और हम उसके एक माध्यम
के तौर पे हैं और हम ये काम करते हैं और पहुंचाने का काम करते हैं। जजमेंट न्यायालय करती है, जनरल कानून करता है, जजमेंट संविधान करता है। तो चलिए, ये बातें थी जो हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। क्या आगे आप उन लोगों पे केस करना चाहेंगे, केस करेंगे या क्या? जी सर, केस करना होगा, केस करना चाहूंगा कंचन मैम पे और जो रिपोर्टर सूर्या थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मेरे घर में एक ऐसे बंदे को रखवा दिया है जिन्होंने मेरे घर में मारपीट किया था और जिसके कारण हम लोग उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था और मुझे ही मारा था, मेरी बहन को मारा था। कैसे हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, कैसे सह रहे हैं हम लोग उसको देख देख के, वो हम लोग को पता है किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। हम लोग कम्प्लीटली अवसादग्रस्त, मतलब अवसाद में जी रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि वो लगातार गाली गलौज कर रही है। देखिए, तो आप सुन ही रहे हैं किस तरह की बातें सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का हरकत, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है। और अब हम बताते हैं कि देखिए, समाज में सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारे चीज़ें बदलाव आया है, कानून भी बहुत तरीक़ों से बदला है, चाहे दौड़िया का मामला हो, चाहे महिला आयोग के मामला हो, चाहे महिलाओं को लेकर आज के बहुत सारे चीज़ें जो है सामने जिस तरह से आ रही है धीरे धीरे करके परत दर परत, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही है कि पहले होता था कि यदि महिला रो देती थी तो लगता था कि सारा दोष जो है पूरे परिवार का उस पुरुष का है, पर जब से सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आने लगी हैं और जिस तरह से दिखने लगा है और जिसका उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सामने ये भी चीज आ रहा है कि किस तरह से महिला भी जो है इसका एक बेहतर उपयोग कर रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप सोशल साइट पे जाके बहुत सारे इस तरह की चीजों को देख सकते हैं जो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या चीजें जो है अब सामने आ रही है। तो चलिए, ये चीजें थी, एक इनका मामला है जिसको हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, न्यायालय तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कानून तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्यायालय का फर्ज होगा कि इनको किसी तरह न्याय मिले और जो न्याय मिलेगा वो इसे मानने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात यही है कि वो इसे मानने को भी तैयार है, क्योंकि इनका कहना है कि कानून और संविधान सर्वोपरि है इस देश में और उसे हम भी मानेंगे। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन 24 न्यूज, और हम इस मामले से अपडेट को लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि हर हालत में चौथा स्तंभ के तौर पर जो इनके लिए सहयोग हो सकता है उसे करें। नमस्कार।